गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचानक ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे आगामी एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी और पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, हमारा वीडियो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आता है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, महावारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? इसका उपसमन बी से हो जाएगा, 10 से 12 दिन की। पहला प्रश्न है, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? इसका उपसमन बी से हो जाएगा, निखंडन विधि द्वारा। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में ग्रेवियन पुटिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? इसका उपसमन सी से हो जाएगा, स्त्री के अंडाशय में। अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन है? इसका उपसमन बी से हो जाएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए अगला प्रश्न है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? इसका उपसमन ए से हो जाएगा, तृतीयांश ग्रंथि। अगला प्रश्न है, नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है? इसका उपसमन ए से हो जाएगा, वैसेक्टॉमी। अगला प्रश्न है, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसका उपसमन डी से हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्थापित होते हैं? इसका उत्तर बी से हो जाएगा, पैराथायरॉइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? इसका उत्तर बी से हो जाएगा, रक्त जमाव से। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, सोडियम आवश्यक होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है? इसका उत्तर बी से हो जाएगा, अधिक होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, 5 से 10 mm कम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं? इसका उत्तर सी से हो जाएगा, ड्यूरामेटर। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष कौन सा होता है? इसका उत्तर बी से हो जाएगा, प्रेसबायोपिया। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, सोरियासिस किस अंग की बीमारी होती है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, त्वचा की। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, कवक के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, सुजाग रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर ए से हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।